हैप्पी दिवाली फ्रेंड फ्रेंड, आज मैंने एक रॉकेट लॉन्चर बनाया है जो कि रिमोट कंट्रोलर है और उसे आप आसानी से 10 मीटर के दूरी से लॉन्च कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि आप उससे एक साथ में 4 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही है वो हमारा रॉकेट लॉन्चर। अभी थोड़ा इसमें काम बाकी है, हम वीडियो के लास्ट में आप लोगों को टेस्टिंग करके भी दिखा देंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया शॉर्टकट में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारे पास एक पीवीसी पाइप है तो हम यही यूज करने वाले हैं, जो कि 10 इंच लंबाई है और 2 इंच चौड़ाई है। तो हम फिलहाल इसी को यूज करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड, हमें पतला पतला 4 पाइप चाहिए ताकि जिसमें हमारा रॉकेट भरा सके, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा रिमोट कंट्रोलर है जो कि आपको टॉय कार के अंदर से मिल जाएगी। हमारे पास एक टॉय कार जो पुरानी पड़ी थी तो उसमें से हमने निकाला है। अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो सेम कनेक्शन बहुत सिंपल है फ्रेंड, मैं आपको कनेक्शन भी बता दे रहा हूँ। ये ब्लैक वाला जो वायर दिख रहे हैं आप, ये माइनस है और रेड वाला प्लस है, और जो दो वायर और बचा वो आउटपुट है, ठीक है। तो कनेक्शन बहुत सिंपल है, आप इसे आराम से बना सकते हैं घर पे। फ्रेंड, हमें चाहिए अब 4.5 वोल्ट बैटरी, जो कि हमारे पास पेंसिल बैटरी है तो हमने सोल्डिंग के मदद से इसको कनेक्ट कर दिया है, 4.5 वोल्ट कर दिया है। फ्रेंड, इसका वायर थोड़ा छोटा है तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वायर जोड़ दिया ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। पाइप के अंदर हमको 2 होल करना पड़ेगा ताकि हमारा जो एलईडी लाइट है वो बाहर से दिख सके। फ्रेंड, हमने सोल्डिंग आयरन के मदद से 2 होल कर लिया जो आप देख सकते हैं, और इस तरह से इसके अंदर हम फिट कर देंगे, फिट करके ग्लू गन से चिपका देंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ एंटीना वाला दिया हुआ है, आप अगर ज़्यादा दूरी से लंच करना चाहते हैं तो एंटीना लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। फ्रेंड, सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं, ग्लू गन की मदद से चिपका देते हैं अंदर ताकि आगे का कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड, इसके अंदर हमने स्विच भी लगा दिया है ताकि जब पावर ऑन ऑफ करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड, इसे आप ग्लू गन से ही चिपकाएं ताकि इसका बैटरी डिस्चार्ज हो, तो आप इसे फिर से लगा सकते हैं बैटरी। अगर आप चाहें तो चार्जेबल बैटरी लगा सकते हैं, चार्ज भी होता रहेगा। फ्रेंड, इस रॉकेट लॉन्चर की मदद से आप एक साथ में 4 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें 4 पाइप लगाएंगे और 4 माइक्रोवायर वाला फ्यूज बनाएंगे इसका। बैटरी का कनेक्शन हो गया फ्रेंड, अब हम इसको लगाएंगे आगे से। फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से हमने अंदर ग्लू गन की मदद से चिपका दिया और 2 वायर हमने निकाल लिया है जो कि हमारा नाइक्रो वायर इसमें लगेगा जो हीट होगी जिससे रॉकेट फ्यूज जलेगा, ठीक है। एक बार स्विच ऑन करके देखते हैं फ्रेंड कि हमारा जो एलईडी है वो जल रही है, देख सकते हैं कितना अच्छा एलईडी हमारा जल रही है और सब कनेक्शन सही है। अब हम ऊपर से एक ढक्कन टाइप का लगा देंगे जिसमें हमारा पतला पतला पाइप जो है वो फिट हो जाए। चलिए फ्रेंड, ग्लू गन की मदद से इसको हम अच्छे से चिपका दे रहे हैं ताकि ये निकले ना। फ्रेंड, ध्यान रहे इसे बहुत मजबूती से आपको चिपकाना है क्योंकि रॉकेट का जो प्रेशर होता है इसके ऊपर आएगा। इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें पतला पतला जो 4 पाइप लिया था तो पाइप को हम लगाएंगे ताकि हमारा रॉकेट जो है एक साथ में 4 भी लॉन्च हो सके, ठीक है।
एक साथ में आप चार भी लॉन्च कर सकते। तो मैंने फ्रेंड लगा दिया चारों पाइप को और ग्लू गन से अच्छी तरह से चिपका दिया है। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड हमारा रॉकेट लॉन्चर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो नाइक्रो वायर लगा है। तो अब इसका हम टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखा देते हैं। फ्रेंड फिलहाल हम माचिस का तिल्ली जलाते हैं इससे। फ्रेंड हमने माचिस का तिल्ली इसके ऊपर रख दिया, अब रिमोट दबाएंगे और देखते हैं जलता है कि नहीं। वाओ, बहुत अच्छी तरह से काम किया फ्रेंड। हमारा रॉकेट लॉन्चर ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। फ्रेंड इसी तरह हम चारों तरफ वायर लगा दे रहे हैं और माइक्रो वायर के कनेक्शन कर दे रहे हैं ताकि एक साथ में हमारा चारों वायर जले और चार रॉकेट भी लॉन्च हो एक साथ में। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है भाई, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड अब बारी है इसकी टेस्टिंग करने की, तो चलिए इसको देख लेते हैं रॉकेट लॉन्च होता है या नहीं होता है, या फिर क्या होता है, यहीं फट जाता है कि हवा में जाती है। फ्रेंड शो के लिए हमने इसके ऊपर केप लगा दिया है, चार छोटा छोटा और एक बड़ा, ताकि हमारा रॉकेट लॉन्चर अच्छा दिख सके। अब इसमें डालते हैं रॉकेट और रिमोट दबा कर लॉन्च करते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी फ़िलहाल एक ही रॉकेट है तो एक ही रॉकेट डालेंगे, क्योंकि बाकी सब डुप्लीकेट रॉकेट है, कहीं पर भी जा सकती है, इसीलिए हम वो सब नहीं जलाएंगे। तो फ्रेंड हमने सेट कर दिया है और जैसे ही बटन दबाएंगे रॉकेट लॉन्च हो जाएगी। तो चलिए बटन दबाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड आग लग चुकी है। ये बहुत अच्छा से काम किया हमारा रॉकेट।